श्रीकांत होला। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। हेलो दोस्तों, श्रीकांत होला का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। ये एक ब्लाइंड लड़के की कहानी होने वाली है जो कि बचपन से ही अंधा होता है। श्रीकांत होला एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता किसान थे। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे। इसमें इनका साथ उनकी एक स्कूल की टीचर भी देती है जो कि हर समय श्रीकांत की हेल्प करती है क्योंकि वो उनकी क्लास में बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। और श्रीकांत ने 12th स्टैंडर्ड में 98% भी गेन किए थे जो कि बहुत बड़ी बात है। जिनके पास आंखें होती हैं वो भी जल्दी से ये नहीं कर पाते। तो बता दे, ये मूवी में श्रीकांत का रोल में हमें राजकुमार राव नजर आने वाले हैं और श्रीकांत की जो वो टीचर है उनका रोल साउथ की एक्ट्रेस जो कि कृतिका होने वाली है वो उनका रोल निभाने वाली है। श्रीकांत की 12th होने के बाद श्रीकांत भोले का मन था कि वो साइंस ले, बट कॉलेज वाले उनको परमिशन नहीं दे रहे थे और वो बोल रहे थे आर्ट्स लो, क्योंकि उस समय ब्लाइंड पर्संस को गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती थी कि वो साइंस ले। तब श्रीकांत बोला और उनके टीचर ने सोच लिया था कि वो हाई कोर्ट जाएंगी और इस चीज़ पर बात करेंगी। हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं जहां लॉयर पूछता है आपको किस पे केस करना है। तब वो बोलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। क्या बात है, इनकी भी दाद की हिम्मत देनी पड़ी। अब इनका केस कोर्ट में गया और वो जीत भी गए। तब से लोग इनको जाने लगे। तब वो हुआ जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इंडिया का कोई भी कॉलेज जब पैसे देकर भी श्रीकांत भोला को एडमिशन नहीं दे रहा था, तब वर्ल्ड के टॉप 4 कॉलेजेस ने श्रीकांत भोला को स्कॉलरशिप दी जो कि बहुत बड़ी बात थी। तब उनका एडमिशन MIT कॉलेज में हो जाता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, जिससे आपको ऐसे ऐसे तगड़ी मूवी का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तब वो पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। तब वहां आती है प्रॉब्लम्स क्योंकि एयरपोर्ट के इंचार्जेस उनको बोलते हैं कि हम किसी भी ब्लाइंड पर्सन को अकेले ट्रैवल करने नहीं दे सकते। तब श्रीकांत बोला सबसे हेल्प मांगता है कि उनका साथ दें, नहीं तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद श्रीकांत बोला ने एक नए कदम पर अपना पैर रख दिया क्योंकि उसको पता था अब उसको अकेले ही चलना है। तब उन्होंने डिसेबल पर्सन्स के लिए जॉब क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, जहां उनके स्टार्टअप में पहला इन्वेस्टमेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी जो कि 25 लाख की थी। तब से उन्होंने अपनी खुद का ही इंडस्ट्री खोलने की स्टार्टिंग कर दी थी। ये मूवी सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होने वाली है। इस मूवी में हमें मेन कास्ट राजकुमार राव, ज्योतिका, आलिया और शरद नजर आने वाले हैं। आलिया का रोल इसमें श्रीकांत के साथ होने वाला है जो कि उनको पसंद करती थी। ये मूवी बहुत ज़्यादा इंस्पायर स्टोरी से ली गई है। ये मूवी 10 मई को रिलीज होगी। क्या राय है इस मूवी के रिव्यू को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।